नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं टोहाना, और आप देख सकते हैं कि टोहाना का रेलवे स्टेशन है और यहां एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद जो हादसा हुआ है वो अंदर जाकर हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हम आपको जल्दी जल्दी अंदर ले चलते हैं और जो दर्दनाक हादसा था वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। बताया जा रहा है कि धारसुर गाँव का अभिषेक है और ट्रेन से कहीं से आ रहा था और यहाँ टोहाना जब उतरने लगा तो ट्रेन जिस ओर जा रही थी उससे पीछे की तरफ मुंह करके उतरने की कोशिश की, और जब नीचे जंक्शन पर इनका पांव टिका तो ये लुढ़कते हुए उल्टी साइड ट्रेन के नीचे चला गया। पीछे की तरफ मुंह करके उतरना इनको बहुत महंगा पड़ गया है, और बार बार यही समझाया जाता है कि जब भी आप किसी वाहन से उतरते हैं तो आप आगे की तरफ मुंह करके उतरिए, न कि पीछे की तरफ। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही भयानक हादसा है, दर्दनाक हादसा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोहाना की एम्बुलेंस बुलाई गई है और इसके द्वारा इसको टोहाना के हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इतना दर्दनाक हादसा यहाँ हुआ है टोहाना रेलवे स्टेशन पर। तो कहाँ का है ये पूरी जानकारी यहाँ जो प्रत्यक्ष दर्शी हैं उनसे लेंगे कि किस तरह और कैसे ये जो दुखद घटना है ये घटित हुई है। तो आइए यहाँ के जो प्रत्यक्ष दर्शी थे उनसे बात। चलते मैं चलते रहे मैं छोड़ के इतना रुपया मैंने भाई मैंने जमा भी रुकी छोटे। मेरा नाम है संजय कुमार। ये बताएंगे कैसे लगी? ये गाड़ी जब चल रही थी ना तो ये उल्टी तरफ मुंह करके उतर रहा था, तो ये लपेटे खांदे हुए नीचे चला गया। तो कितनी चोटें आई? चोट पैर भी तो जमा खत्म हो गया जी, वैसे भी बहुत खरोचे आई हैं। ट्रेन के नीचे आ गया था? हाँ, ट्रेन नीचे आ गया था। तो फिर किसने निकाला इसको? ये सर मैंने भी निकलाया है। मैं इसको चिल्लाता भर ना 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 कूद ना कूद, लेकिन मानना नहीं जी। कूद गया फिर भी? हाँ कूद गया, फिर भी कूद गया ये। तो और किस किसने निकाला? एम्बुलेंस आई? हाँ मौके पे आ गई थी। हाँ जी आ गई थी पुलिस भी, और ये हॉस्पिटल में लेके गए थी जी। ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ का व्यक्ति? ये व्यक्ति तो धारसुल का है, और ये निपटा कहाँ से आ रहा था ये नहीं पता। नाम बताए? नाम कुछ आकाश वगैरह कुछ बता रहा था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अभिषेक नाम है, सॉरी।